मेरा नाम शरद कुमार, टाटा नेक्सोन का प्योर एस वेरिएंट। अगर आप अपनी कार में बेसिक फीचर्स चाह रहे हैं और आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते तो फिर प्योर एस वेरिएंट आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इस कार में आपको सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, मतलब बेसिक फीचर्स भी रहेंगे और हाई एंड फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो जो भी बंदे सनरूफ के फैन है तो उनको ये वाला वेरिएंट बिल्कुल पसंद आने वाला है। और फीचर्स के साथ इस कार का जो प्राइस है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 10,20,000 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाती है। फिर इतने प्राइस में पूरी फीचर से लोडेड रहने वाली है। उसी के साथ आपको उसमें सेफ्टी फीचर्स भी बढ़िया मिल जाएंगे। 6 एयरबैग्स रहते हैं इस कार में। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो है टाटा नेक्सोन में। जैसे मैंने आपको इस कार का लोअर वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट था, उस वाले वेरिएंट से वाला वेरिएंट 50,000 रुपीज एक्सपेंसिव है। फिर फीचर में क्या क्या डिफरेंस रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ टाटा मिडास मोटर्स पर, रुड़की उत्तराखंड में। इनका शोरूम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार में भी है। सभी शोरूम्स की कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर शो रही होंगी। अगर आपको कोई सी भी टाटा की कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे चाहे तो मैं इस कार की से कुछ रहेगा, आपको समय की मिल जाएगी। रिमोट सेंटर लॉकिंग रहने वाली है। इस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा। फॉलो मी होम अटैक हो गया बटन, वो फ्लिप की रहेगी है जिस पर टाटा का दिया गया लोगो। जो दूसरी वाली की रहती है वो आपको बेसिक सी की मिल जाती है। और ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में आपको मिल जाएंगे LED DRLs, वो LED इंडिकेटर जो कि ड्यूअल फंक्शनिंग के साथ रहते हैं, जब ऑन हो तो देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। ये ग्रिल इस कार की जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाली है, क्लोज रहती है, टाटा का लोगो मिल जाएगा आपको इस पर। ये इस कार के हेडलैम्प्स जिसमें आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, हेडलैम्प्स, फोक लैम्प्स इस वाले वैन में आपको नहीं मिलते हैं। नीस हेड उस तरह की रहेगी, रेडिएटर ग्रिल, फिर ओवरऑल उस तरह की लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। तो ये इस कार की साइड प्रोफाइल, डैमेज वाइज अगर आप इस कार को देखते हैं तो देखने में काफी बढ़िया लगती है। अच्छे साइज की आपको उसमें क्लाइडिंग मिल जाएगी जिस वजह से देखने में रफ एंड टफ भी लगेगी आपको। यहाँ पर भी ऐसा देते हैं, इस व्हील के ऊपर की साइड आपको क्लाइडिंग मिल जाती है। ज़्यादा बड़े साइज की जो नहीं रहती है वो भी ज़्यादा देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। इतने साइज की क्लाइडिंग अच्छी लगती है देखने में कार पे। ये इस कार के स्टील व्हील्स, 16 इंच के आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स, 195/60 R16 की प्रोफाइल रहने वाली है। और यहाँ पर भी आपको क्लाइडिंग मिल जाती है जैसे आप देख सकते हैं। ये इस कार का ORBM जो कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगा। इंडिकेटर भी इसी पर मिल जाता है आपको, पियानो ब्लैक फिनिश में रहता है। ए पिलर हो गया मैट ब्लैक कलर का। सनरूफ जैसे फीचर्स भी आपको उस वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं। ये रूफ रेल्स जो कि ग्रे कलर की रहेंगी, बैक डोर हैंडल जो कि मैट ब्लैक का दिया गया है, यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर की लाइन मिल जाएगी। बी पिलर भी ब्लैक कलर का है। फिर ये रहा इंटीरियर इस कार का, जैसे आप देख सकते हैं फीचर्स से लोडेड रहने वाला है। ये नहीं कि एक्सटीरियर में आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं, एलोवीज नहीं मिलते, तो आपको इंटीरियर में एंटरटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन नहीं मिलेगा। इंटीरियर में आपको टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। फीचर पूरे लोडेड रहने वाले हैं इस कार में। इंटीरियर में ज़्यादा इस कार के बैठेंगे तो आपको लगने वाला है कि टॉप मॉडल है इस कार का। भले से आप एक्सटीरियर में इसमें मॉडिफिकेशन करा के एलोवीज लगवा सकते हैं, फिर देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगी एक्सटीरियर से कार। सनरूफ तो होगी इस वाले वेरिएंट में। और एक एक करके सभी फीचर्स को हम देख लेंगे आपको क्या क्या ऑफर करे जाते हैं इस कार के इंटीरियर में। ये रहे ORBMs के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, मैंने आपको बता ही दिया। फिर ये ओवरऑल इस कार की साइड प्रोफाइल, जैसे आप देख सकते हैं इस कार की जो भी डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रही होंगी। फिर ये कंबाइन बैक और साइड प्रोफाइल की, बैक में आपको LED टेल लाइट मिल जाती है और LED इंडिकेटर जो कि ऑन होने के बाद तो बिल्कुल गजब लगते हैं बैक से देखने में। और अब इस कार के टॉप मॉडल की साइड जाएंगे तो उसमें आपको कनेक्टिंग टेल लाइट भी मिल जाएगी, वो भी देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। पर लेकिन आपको इसमें भी LED टेल लाइट मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया लगती है। जो बीच में रहती है यहाँ पर ये फंक्शनिंग में नहीं रहेगी। टाटा का हो गया यहाँ पर लोगो, ऊपर शेड हो गया शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर, यहाँ पर होगी बैकलाइट और रिफ्लेक्टर्स। नेक्सोन की बैजिंग दी गई यहाँ पर, स्पेस देखकर लिखा गया है। दो पार्किंग सेंसर्स हो गए। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगेगी इस कार की बैक प्रोफाइल, सब देख सकते हैं। अब चलिए फिर मैं आपको उस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस आपको उस कार के बूट में दिया जाएगा। कार की बूट को अनलॉक करने के लिए एक तो ऑप्शन आपको इंटीरियर में मिल जाता है, जब आप उसकी कार की बूट को अनलॉक करने के लिए बटन प्रेस करेंगे, जो टच बटन दिए गए हैं, तो कार का जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। फिर आप अपनी की से भी बूट को अनलॉक करना चाहते हैं तो कार का बूट अनलॉक हो जाता है। फॉलो मी होम एल्डम के बटन को आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा तो फिर कार का जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। फिर कार का बूट, पास ट्रे आपको उस वाली वेरिएंट में नहीं मिलती है, आपको यहाँ पर हैंग करने के लिए मिल जाता है। इस कार का स्पेयर व्हील 16 इंच का रहेगा, 195/60 R16 की प्रोफाइल रहेगी। व्हील कवर्स बस आपको स्पेयर व्हील में नहीं मिलेंगे। तो ये तो बात रही इस कार की एक्सटीरियर के बारे में। शायद कुछ नए फीचर्स आपको इस कार में मिल जाते हैं। सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे आपको इस कार में, जैसे व्हील कवर्स हो गए, LED RS हो गए, LED इंडिकेटर्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स,
एक्सेसरीज कार का देखते तो दिखने में काफी बढ़िया लगता है। और इसी तरह आपको इस कार के इंटीरियर के भी फीचर्स पसंद आने वाले हैं। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा इस कार के तो आपको वाले फीचर्स दिखा दूंगा। तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिविट्रॉन इंजन मिल जाएगा 1200 सीसी का, जो कि प्रोड्यूस करता है 118 बीएचपी की पावर, 170 एनएम का टॉर्क, 3 सिलेंडर में रहती है कार। तो चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा दूं, फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इसका इंटीरियर में। जैसे आपको बताया जाए डुअल कलर में रहने वाला इंटीरियर कार का, जिस वजह से देखने में काफी बढ़िया लगता है। और जो मैं टच कंट्रोल की बात कर रहा था आपसे, ऐसा देखते हैं यहाँ पर आपको कार की बूट को अनलॉक करने के लिए बटन भी मिल जाता है, उसको प्रेस करेंगे तो कार का जो बूट है वो अनलॉक हो जाता है। फिर ये इंटीरियर इस कार का, वो डुअल कलर का जैसा इंटीरियर आपको मिल जाता है, वही पैटर्न आपको इस कार के डोर पे दिखाई देगा डुअल कलर में। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, डोर में भी पियानो ब्लैक फिनिश रहेगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इस कार के आरपीएम्स, यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको व्हाइट कलर दिया गया, सॉफ्ट टच नहीं रहेगा ये। बटन लैंप हो गया, बटन स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर्स रहेंगे। फिर बाहर से देखने में उस तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। यहाँ पर आपको ग्लो करता हुआ टाटा का लोगो मिल जाता है, जिस वजह से देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है ये। ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर रिक्लाइन करने का मिल जाएगा। और ये इस कार का बैक डोर, टॉप ना हो गया पियानो ब्लैक फिनिश का, पियानो ब्लैक फिनिश होगी, पावर विंडो कंट्रोल है, बटन स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। डुअल कलर में रहने वाला इंटीरियर इस कार को देखने में काफी बढ़िया लगता है। और इसी तरह के आपको इस कार में फीचर्स मिल जाएंगे, फीचर्स से लोडेड रहने वाली है कार। एक करके सभी फीचर्स को हम देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। लेदर है स्टीयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं मिलता है। स्टीयरिंग ऑयल कंट्रोल्स हो गए यहाँ पर, टाटा का ग्लो करता हुआ यहाँ पर लोगो हो गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सनलाइट भी अच्छी आ रही है, उस लोगो की ब्राइटनेस भी काफी बढ़िया है। यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी। वेरस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरपीएम मीटर हो गया यहाँ पर, बीच में आपको एमआईडी मिल जाएगी, स्पीडोमीटर मिल जाता है कितना चल गया कार, क्या माइलेज दे रही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिखती रहेंगी। ड्राइव मोड मिल जाता है आपको यहाँ पर, जैसे आप जो सिटी इक्विपमेंट स्पोर्ट्स, कौन सा ड्राइव मोड लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। टेम्परेचर और फ्यूल के लिए कुछ आपको उसमें अलर्ट लाइट्स भी दी जाएंगी। वीरा ड्राइवर साइड एसी वेंट, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इस कार के ओआरपीएम्स, यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वीरा सेंटर कंसोल इस कार का, 7 इंच का टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है, जो कि हरमन का रहेगा। एंड्रॉइड ऑटो एनेबल कार प्ले के साथ रहता है, वायरलेस। एसी वेंट्स हो गए यहाँ पर, व्हाइट कलर मिल जाता है आपको यहाँ पर। टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर एसी वेंट्स के, और जैसे हजार्ड लाइट का बटन हो गया, कार की बूट को अनलॉक करने के लिए, ये सब आपको बटन टच में मिल जाते हैं, जिसका रेस्पॉन्स काफी बढ़िया रहता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया, चार्जिंग सॉकेट, और 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली कार, उस तरह का आपको उसमें नोव मिल जाता है। साइड में पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, जो कि यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश रहेगी। ड्राइव मोड्स तो मैंने आपको दिखाई दिए। कप होल्डर्स हो गए यहाँ पर मिल जाते हैं रियर सीट के लिए। ये रहा हैंड ब्रेक, वही ड्राइवर साइड सन वाइजर टिकट होल्डर मिल जाता है आपको यहाँ पर। कैबिन लैंप है, एलईडी में रहेगा ये। आईआरबीएम मैनुअली डेनेट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको यहाँ पर। सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए यहाँ पर, इतने साइज के रहेगी इस कार में। सनरूफ पूरी ओपन हो जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। वही इस कार की फ्रंट सीट्स आपको मिल जाएंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फैब्रिक सीट्स रहती है जिन पर उस तरह का डिजाइन बना हुआ है। और मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ। ग्लव बॉक्स ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिलता है, उसको प्रेस करेंगे तो कार का जो ग्लव बॉक्स है ओपन हो जाएगा। कितने बढ़िया साइज का ग्लव बॉक्स रहने वाला है इस कार में। ये रखो ड्राइवर साइड डोर, डोप ना हो गया पियानो ब्लैक फिनिश का, यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। पावर विंडो कंट्रोल है, बटन स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर, और टोटल 6 एयर बैग्स रहने वाले हैं इस कार में। इसे फ्रंट में हो गया, यहाँ पर मिल जाता है कर्टन एयर बैग्स भी रहेंगे इस कार में। तो सेफ्टी वाइज भी बिल्कुल बढ़िया रहने वाली है कार, कोई भी आपको सेफ्टी में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो बेस्ट ही स्कोर कर रही है इस कार ने ग्लोबल एनकैब में, और आपको सेफ्टी फीचर्स भी बढ़िया मिलने लगे इस कार में। तो ये तो बात थी इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर, आपको जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अब चलिए फिर लेके चलते हैं उस कार की रेयर सीट पर, बम्पर को कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम। पर मेरी हाइट 6 फीट है, लेग रूम मिल जाएगा आपको उस कार में। लेग रूम और हेड रूम में बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है, काफी स्पेसियस रहने वाला है इस कार का कैबिन। और ये सीट बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड इस कार का, और सनरूफ का भी उस तरह का आता है। फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। रियर एसी वेंट्स हो गए यहाँ पर, कितने साइज का रहेगा हम आप देख सकते हैं। वेरा बैक डोर इस कार का, ग्रैब हैंडल हो गया। तो ओवरऑल कुछ सारे इंटीरियर जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं।
तो ऐसे में कुछ तरह 10 कार का बोक अराउंड जो भी फीचर्स आपको उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दी। जैसे आपने देखा इसमें आपको सभी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं, आपको उसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 7 इंच का रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई, LED DRS, रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स भी आपको उस वाले वेरियंट में मिल जाते हैं। अगर आपके वाले फीचर्स कम लगते हैं तो फिर आप इसके अपर मॉडल के साइड जा सकते हैं। अगर आप टाटा नेक्सॉन का कोई ऐसा वेरियंट देख रहे हैं जो कि फीचर्स लोडेड भी हो, वैल्यू फॉर मनी भी हो, तो फिर आप क्रिएटिव वेरियंट के साइड जा सकते हैं। उसमें आपको सभी बढ़िया फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे अलॉय व्हील्स हो गए। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।